जय गुरु जी। झिलमिल ये एम बना हुआ है, ये आई वो एल, झिलमिल देख रहे हो। और वो वापस सारे बैठे हुए हैं, कल तीन बसें आई हुई हैं। ना गूगल मैप तो 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, बाकी पता नहीं कितनी देर लगेगी। इन्होंने तो खा लिया अपना। आपको क्या क्या मिला था आंटी? हाँ जी, ओके ओके ठीक है आंटी जी, जय गुरु। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्पित मगु ब्लॉग्स विद अनदर ब्लॉग। तो गाइस अभी हो बज चुके हैं सुबह के 3:55, और गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग कहीं बाहर जाने वाला हूँ, और वो गाइस मैं बाहर कहाँ जा रहा हूँ आपके लिए अभी सस्पेंस रखूँ या बता दूँ। अर्पिता मेरे साथ उठ चुकी है गाइस सुबह, तो गाइस बता देता हूँ। गाइस मैं जा रहा हूँ डुगरी गुरु जी के मंदिर, जो कि मलेरकोटला। मम्मा भी उठ चुके हैं गाइस, सारी मतलब हम उठ चुके हैं। और ना गाइस यहाँ मतलब पहले संडे लेके जाते हैं, महीने के पहले संडे। तो आज जिस तरह संडे है महीने अक्टूबर का, तो गाइस मैं जल्दी से मतलब रेडी हो चुका था सुबह सुबह उठ के। सुबह मैं 3 बजे उठ गया था, और गाइस यूँ लगाओ मानो कि यहाँ से रोहतक से ना बस लेके जाते हैं, एक रोमी अंकल हैं हमारे वो। और ना सीट्स तो थी ही नहीं गाइस, बिल्कुल भी सीट्स नहीं थी बस में, बट गुरुजी ने किसी ना किसी तरीके से एक सीट तो बनवाई थी गाइस मेरी। और गुरुजी ने डुगरी बुला ही लिया है। मैं लास्ट टाइम कोरोना से पहले गया था गाइस, वो भी बड़े मंदिर। तो अभी डुगरी जा रहा हूँ गाइस मैं आज, अब जस्ट जल्दी से निकलते हैं, 4 बजे वहाँ पे मेरे को पहुँचना है। तो अर्पिता और मम्मा छोड़ के आएंगे, चलो गाइस जल्दी से चलें। 5 minutes later तो गाइस मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ जहाँ से मेरे को बस अपनी पिक करनी थी। गाइस हमारी जो मतलब लोकेशन थी ना वो थी सोहम मंदिर रोहतक, अपना ये इधर ही है, जो इधर कौन सा रोड है, आर्यनगर के पास ही है गाइस ये। और पीछे आप देख सकते हैं बसेस खड़ी हैं, 2 बसेस हैं गाइस देखिए खड़ी है, एक वो गाड़ी की लाइटों के पीछे देख रहे हो आप, गाड़ी के पीछे। तो फिलहाल मम्मा और बहन यहाँ पे मेरे साथ खड़े हैं, ये सुबह ऐसे जैसे सोए पड़े थे ऐसे उठा के ले आया इनको मैं। तो अभी अर्पिता ले जाएगी मम्मा को वापस, और मैं भी जस्ट अभी बस बैठते हैं। वो एक गुरुजी वाले जिनके साथ मैं पहली बार गया था ना गाइस बड़े मंदिर, मतलब वो अंकल भी मेरे को रास्ते में मिल गए, फिर वो अंकल भी अभी मतलब उनके साथ ही जाऊँगा अभी भी मैं। तो फिलहाल बस जल्दी से और 5-7 मिनट में निकलना गाइस, अभी तक तो 4:10 हो चुकी है, और 5-7 मिनट में निकल जाएंगे, फिर अपना मम्मा और भी घर चले जाएंगे, और हम भी आपको रास्ते में दिखाता जाऊंगा व्यू। और क्योंकि बस में तो गाइस भजन चलेंगे गुरुजी के, और बीच में एक आता ब्रेक पॉइंट भी होगा, जैसे होगा आपको दिखाता रहूँगा। ठीक है गाइस, अभी सुबह के 6:30 हो चुके हैं, बस में तो मास्क वगैरह लगा ही रखे हैं लगभग सब ने, क्योंकि मास्क ज़रूरी है ना मंदिर में। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे रुके हैं वॉशरूम ब्रेक के लिए एक तरह से, क्योंकि जिसको वॉशरूम जाना होगा वो चला जाएगा। और गाइस बहुत मज़ा आ रहा है, रास्ते में भजन वगैरह चल रहे हैं, मतलब इतने गुरु जी की जो बाणी, जो एक तरह से सत्संग ही चल रहा है पूरी बस में, और बहुत अच्छा। अभी हमको गाइस आपने देखा ही होगा, अब यूँ लगा लो यहाँ से लगभग 6:30 हो गया ना, तो नियर अबाउट 12 या 12:15 तक पहुँचेंगे हम वहाँ पे। बट जैसे होगा आप इंजॉय करोगे गाइस ये वाला व्लॉग। और अभी हमको सैंडविच खिलाए हैं, और 1-1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद भी हो सकते हैं शायद हम हमको कहीं पे चाय प्रसाद के लिए रोकेंगे, जो इनकी जगह बनी होती है गाइस। बट फिलहाल अभी तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं, कई लोग ऐसे ही टहल रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, मैं भी बाहर ऐसे ही निकला हूँ थोड़ा घूमने के लिए, कमर सीधी हो जाएगी। एक तो मेरे को विंडो सीट नहीं मिली ना, जिसके कारण ना मेरे को साइड के मैं व्यूज़ नहीं ले पा रहा, सड़क के बीच वाली सीट है और वो भी लास्ट की। चलो मिल गई सीट, बहुत अच्छी बात है गाइस, तो सीट तो मिलनी बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल, फिर भी रोमी अंकल ने चलो करा दिया। तो बाकी जैसी गुरुजी की इच्छा, अभी लगभग सारे हो ही चुके हैं फ्री,
हम भी चलते हैं बस में वापस। तो गाइज अभी हमने ब्रेक ले लिया ब्रेकफास्ट के लिए और टाइम हो चुका है 7:45 और पीछे हम रुके हैं गाइज झिलमिल पंजाबी ढाबा, यहाँ पे रुके हैं गाइज। और मतलब बहुत ही बढ़िया सिटिंग एरिया है और इस साइड लॉन्ज है बच्चों के खेलने के लिए, देख सकते हैं पीछे। और यहाँ पे सारे मतलब जितने बस वाले हैं ऑलमोस्ट सीटेड हो चुके हैं और यहाँ पे भी वॉशरूम वगैरह है, सब चीज़ें हैं गाइज, बहुत बढ़िया है। और ना यहाँ पे जो खाने का स्थान है ना, मतलब चाय या किसी को और कुछ लेना तो वो ले सकता है, बट जो लोग हैं ना, कई लोग गुरुजी की संगत ही हैं, वो घर से बना के लाए हुए हैं और सारे वो भी खा लेते हैं और मतलब अधिकतर तो वही खाते हैं। बट गाइज मज़ा बहुत आता है सबके साथ खाने में और आप किसी के साथ मर्जी साथ बैठ के खा सकते हो, ऐसा होता है गाइज। बट फिलहाल देखो सारे यहाँ पे सीटेड हो चुके हैं अपना आराम से, हमारी बस वो पीछे खड़ी है वहाँ पे। और चलो जल्दी से मैं भी खा लेता हूँ, फिर अभी भी रास्ता तो है गाइज 3-4 घंटे का और। तो गाइज यहाँ पे ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा है, परोंठा साथ में राइस, साथ में देखो छोटी सी डब्बी में पिकल, बहुत ही टेस्टी होने वाला गाइज है। ये भी ऐसा गुरुजी का प्रसाद ही है। तो इधर देखो सारे अपना डाल के दिए जा रहे हैं आंटियाँ ही और हम भी जस्ट जल्दी से खा लेते हैं इसको। तो गाइज अभी ना इधर मैं इधर जो इनका एक गार्डन सा बना रखा ना, जहाँ पे मतलब ऐसे ही ट्रीज वगैरह लगा रखे हैं पीछे, आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे ना गाइज इन्होंने ना झिलमिल लिख रखा है ग्रास से, उसकी कटिंग किस तरीके से करके आपको मैं दिखाता हूँ। गाइज आप देख सकते हैं झिलमिल किस तरह लिखा हुआ है, दिख रहा है तू वो वहाँ तक लिखा हुआ है पूरा झिलमिल, ये एम बना हुआ है, ये आई वो एल झिलमिल, देख रहे हो। और वो वहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, हमारी गाइज टोटल 3 बसें आई हुई हैं। और गाइज एक चीज़ और, अभी जस्ट मैं घूम ही रहा था ना तो वहाँ पे ना मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, वो अब जाके वहाँ पे जब लोग फ़ोटो खिंचाने लगे ना तो वो मेरे को ध्यान में आया कि वहाँ पे तो इन्होंने रैबिट्स रख रखे हैं। आपको भी मैं दिखाता हूँ रैबिट्स, इतने प्यारे प्यारे रैबिट हैं, दिखाता हूँ गाइज ये देखो कितना प्यारा रैबिट है और एक खीरा खा रहा है आराम से बैठ के, देख रहे हो। और अभी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा ना, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, दिखाऊं। ये देखो गाइस कितने सारे बैठे हैं, वो देख रहे हो, वो उनकी मम्मा बैठी है अंदर और उसके बेबी देखो उसके साइड में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 रैबिट्स हैं, देख रहे हो गाइस कितने प्यारे प्यारे हैं। गाइस मेरे को तो बढ़िया लगे, आप बता देना कमेंट में कैसे लगे आपको रैबिट्स। अभी फ़िलहाल जर्नी अभी बाकी है और गाइज अभी यूँ लगा लो 12 बजे के आसपास पहुँचेंगे, फिर 2-2.5 बजे के आसपास लास्ट तीन बजे तक वहाँ से वापसी, शाम को 7-8-9 बजे तक घर, जहाँ तक अभी तक का जो सीन है, बाकी जैसे होगा आपको बता दूंगा। फिलहाल चलते हैं, बस सबने खा ही लिया यहाँ पे प्रसाद, अब बस बस में बैठने की तैयारी हो चुकी है, चलते हैं चलते चलो 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 बस में। तो गाइज बस में आके बैठ चुके हैं अभी और अभी सारे लोग आए नहीं हैं, मेरी तो लास्ट वाली सीट है, मैं तो आराम से पीछे आके बैठ चुका हूँ और अभी धीरे धीरे सारे आ ही रहे हैं, जब आ जाएंगे। और अभी भी गाइज गूगल मैप तो 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, बाकी पता नहीं कितनी देर लगेगी। एंजॉय
तो गाइज फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूँ, डुगरी गुरुजी के मंदिर। गाइज अभी हम पार्किंग एरिया में हैं जहाँ पे क्या कहते हैं बसेस लगी हुई हैं सारी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बसेस खड़ी हैं। तो बस अभी जल्दी से जितने भी बस के मेंबर्स हैं ना सबके साथ ही पैदल का रास्ता है गाइज, पता नहीं कितनी दूर का है, बाकी मज़ा बहुत आने वाला है। और जिस तरह जितनी पास पहुँचते जा रहे हैं ना उतनी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। बट जल्दी से अब चलें, ये भी रुक गए हैं यहाँ पे गाइज क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। 12 बज चुकी है, पूरे 12 बज चुके गाइज अगर आपको दिख रहे हो तो, एग्जैक्ट 12। तो अभी बस और एक दो मिनट में निकल रहे हैं। तो गाइज अभी ना मुझे मतलब चाचू ने बताया कि यहाँ पे ना हम मतलब यहाँ से पैदल जाने के लिए नहीं, यहाँ पे ना हमारी बस का नंबर नोट हो रहा है और हम वेटिंग एरिया में खड़े हैं अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा संगत आई हुई है। जितने भी ये देखो लोग पीछे कैसे बैठे हुए हैं वेटिंग कर रहे हैं गाइज, ये कब इनका नंबर आएगा और ये अपनी बसों में बैठ के वापस से जाएंगे। बस ही जाएगी गाइज हमारी अंदर तक, अब जैसे होगा देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। बाकी भीड़ तो काफ़ी है गाइज, आप देख ही सकते हो पीछे कितनी बसें खड़ी हैं, अभी सारी बसें जाएंगी अंदर मंदिर में। तो गाइज अभी ना एक फाइनल डिसीजन जो कि मैंने भी और कई सारी संगत ने भी लिया है कि हम पैदल निकल जाते हैं। पैदल निकलने का रीज़न गाइज क्योंकि अभी कह रहे हैं कम से कम भी 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, इतनी वेटिंग है। और हम ज़्यादा मान लो जो कह रहे हैं 4 से 5 किलोमीटर पैदल है, ज़्यादा आधे घंटे में कर लेंगे या 45 मिनट्स में, जितनी देर में भी कर लेंगे। मार्को वहाँ पे 2-3 घंटे तो नहीं रुकना पड़ेगा, हम 2-3 घंटे मतलब लगातार 2-3 घंटे गुरुजी के पास फालतू रुक जाएंगे। तो अभी चलते हैं पैदल गाइस। देखो आगे भी चल रहे हैं और पीछे भी आप देख सकते हैं कई लोग चलते आ रहे हैं, बट यही मेरे बस वाले भी संगत हैं और अभी इनके साथ चलता जा रहा हूँ मैं भी साथ। अब सीधी दरबार के बाहर ही मिलते हैं गाइस आपसे। जैसे तैसे करके पहुंच ही गए हैं और मतलब सही हो गया, वो भैया भी हमको सही टाइम पे मिल गए थे। ये तो काफ़ी दूर आना पड़ता गाइस, काफ़ी दूर था। बाकी हम हाफ रास्ता तो चल ही आए थे, उन्होंने हाफ हमको यहाँ तक ड्रॉप कर दिया, बाकी बहुत अच्छा किया उन्होंने। और फोटो कैची थी। और क्या कहते हैं गाइस, आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, आपको मैं दिखाता हूँ गाइस। देखो तो गाइज अभी हम जोड़ाघर में जा रहे हैं, वहाँ पे जूते वगैरह उतारेंगे, शूज़ वगैरह। और गाइज वहाँ पे मतलब यहाँ पे तो शूज़ उतार के अंदर जाएंगे। और गाइज अगर मंदिर के अंदर रिकॉर्ड करने दिया तो आपको दिखा दूँगा, जो ना करने दिया गाइज तो मैं रूल्स के अपोजिट नहीं जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगा अंदर वीडियो। अपना फ़ोन चुपचाप जेब में डाल के मत्था टेक के लंगर प्रसाद गाइज पैकिंग में दे रही क्योंकि संगत ले के आ रही हैं, अपना लंगर प्रसाद लेके गुरुजी को मत्था टेक के बाहर आके आपसे बात कर लूँगा। अगर अंदर बनाने दी तो आप देखोगे ही, बट फिलहाल अभी जोड़ा घर आ चुका है, यहाँ पे जूते उतार देते हैं। तो गाइज मैं मंदिर में मत्था टेक के आ चुका हूँ और गाइज आपको क्या बताऊँ, इतनी जन्नत, इतना शांत, इतना प्यारा जो गुरुजी का स्वरूप पड़े हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा गाइज मेरे तो वापस आने का दिल नहीं था वहाँ पे, तो रुकने ही नहीं दे रहे थे, सिर्फ चलते जाओ मत्था टेकते जाओ। तो गाइज मैंने फिर भी मत्था तो टेका और गाइज इतना मज़ा आया आपको क्या बताऊँ गाइज। और ना ये लगा लो इतनी डिवाइन मतलब इतनी जन्नत, इतना प्यारा गाइस। और देखो गाइस हमें लंगर प्रसाद मिल चुका है, साथ में जल प्रसाद भी है। और गाइस कोविड के कारण ना पैक करके देते हैं ऐसे पैकिंग में, और आप देखो गाइस किस तरह अच्छे तरीके से पैक कर रखा है। बाकी ये घर तक तो गाइस ख़राब हो जाएगा, इसको अभी खाना पड़ेगा, तो मम्मी पापा के भी ले लेता था थोड़ी सी ब्लेसिंग, बट अभी खा लेंगे गाइस इसको, नहीं तो ये ख़राब ना हो जाए। और इसकी भाई इसको ख़राब नहीं होने देना ना गाइस, इसको तो खाना है। और अभी गाइस मैं पार्किंग में जा रहा हूँ गुरुजी का स्वरूप लेने, तो चलो जल्दी से लेके लंगर प्रसाद खा के स्वरूप लेके मिलता हूँ।
तो गाइस गुरुजी का स्वरूप तो मिला नहीं, बट गुरुजी का लोकेट मिल चुका है, वो मैं आपको लंगर प्रसाद खाने के बाद बताऊंगा, दिखाऊंगा मतलब। तो लंगर प्रसाद में है पूड़ी, रोटी, दाल, आलू गोभी, चटनी और गुलाब जामुन। और इधर सामने और आंटी जी भी खड़ी हैं, इन्होंने तो खा लिया अपना। आपको क्या क्या मिला था आंटी? बता रही हूं ना। हाँ जी, मक्की की रोटी, सरसों का साग, आलू गोभी, ओके, दाल और गुलाब जामुन। ओके ठीक है आंटी जी, जय गुरु जी। तो गाइज लंगर प्रसाद भी कर लिया और लंगर प्रसाद भी बहुत टेस्टी था गाइस, बहुत टेस्टी। और जो गाइस मेरे को ब्लेसिंग मिली है गुरु जी की, स्वरूप तो मिला नहीं गाइस, बट ये मिला लो किट। तो गाइस मना कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, वीडियो नहीं बना रहा ठीक है। तो अभी गाइस प्रॉपरली दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। और गाइस आप बता देना कमेंट में आपको गुरु जी का बाहर से फ्रंट, मतलब जो मैंने मंदिर का दिखाया कैसा लगा, अंदर लंगर प्रसाद और भी गुरु जी का जो ब्लेसिंग लो किट मिला है गाइस बताना ज़रूर कमेंट में। और आपको अगर गाइस आप भी आओ यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है गुरुजी मंदिर डुगरी मलेर कोटला, ठीक है गाइस। फिलहाल अभी हम बाहर जा रहे हैं, अभी सारे बसेस वाले जितने भी हैं पहले तो वहाँ पे एक तरह से गेट टुगेदर होंगे, उसके बाद जाएंगे गाइस। फिलहाल अभी सारे बाहर जा रहे हैं। और गाइस अब अंदर मान लो इतना अंदर इतनी भीड़ नहीं है, बट बाहर आ रहे हैं ना जब, तो जितनी दुनिया बढ़ती जा रही है, संगत बढ़ती जा रही है काफ़ी ज़्यादा। बट अभी तो बाहर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पीछे पीछे जाई जा रही है। तो गाइज़ अभी हमारी बसेस भी आ चुकी हैं बिल्कुल मंदिर के, ये लगा लो 100 मीटर के बिल्कुल पास में पेट्रोल पंप है, वहाँ पे सारी बसेस लग चुकी हैं। हमारी बस वो खड़ी गाइज पीछे वाली दिख गई होगी आपको, तो अभी उसमें सारी संगत आ रही हैं। एक बस यहाँ खड़ी है, एक बाहर खड़ी है और एक छोटी बस है वो मंदिर के बिल्कुल सामने खड़ी है। तो अभी बस के अंदर गाइस थोड़ी ना अभी गर्म हो गया धूप में, गर्मी के कारण तो बाहर खड़े हैं। बाहर मौसम फिर भी ठीक है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी और मज़ा आ गया गाइस, बहुत बहुत मज़ा आ गया। तो अभी गाइज टाइम क्या हो गया, अरे मेरी घड़ी बंद होगी लग रहा है मेरे को, नहीं नहीं चालू हो गया, चालू है, टाइम हो गया 7:05। और गाइज हम रुके हुए हैं करनाल हवेली पे, और अभी तो जस्ट देखो सारे फोटो खिंचवा रहे हैं वहाँ पीछे, मैं भी खिंचवा आया हूँ। बट फिलहाल अभी हम यहीं पे रुके हुए हैं यार, यहाँ पे अब देख लो आप कितनी देर लगेगी। और उसके बाद अभी रोहतक जाना है, तो मतलब नियर अबाउट 7-1 घंटा यहाँ पे, 1.5 घंटा, 8:30 और लगभग 10:30-11 बजे तक लास्ट रोड तक पहुंचेंगे। बाकी गाइस अंदर आप देख सकते हो सही मजा हो रहा है। बाकी रास्ते में भी हम नाश्ते आए हैं सारे, और अभी जल्दी से अंदर चलते हैं, सारे चले ही गए हैं लगभग।
गाइस मैं बाहर आया हूँ क्योंकि ना अंदर ना गाने चल रहे हैं, तो गाना मैं तो वीडियो बना नहीं सकता। फिलहाल चाय पी रहा हूँ और साथ में बिस्किट खा रहे हैं, और चाय भी बहुत टेस्टी है गाइस यहाँ की। बाकी और कुछ अभी भूख लगी नहीं है क्योंकि अभी रास्ते में ही जो रोटी प्रसाद बच गया था ना वो सबको खिला दिया था, तो जस्ट अपने अभी रोटी प्रसाद भी खाया था, फिर यहाँ पे चाय ब्रेक के लिए रुके थे। और देखो गाइस यहाँ बच्चे देखो कैमल राइड भी कर रहे हैं, देख रहे हो, हॉर्स राइड भी है, हॉर्स राइड भी है, और अंदर भी बच्चों के खेलने की, मतलब वो कार नहीं चलाते छोटे बच्चे वो भी चला रहे हैं, बहुत सारी बहुत बढ़िया जगह है गाइस, बहुत काफ़ी मज़ा आया। अभी पापा का भी कॉल आया था कि कितने देर तक आ जाएंगे, मैंने कहा पापा आ जाएंगे मेरे ख्याल 10-11 तो बज ही जाएगी गाइस, आराम से बजेगी, बट फिलहाल अभी चाय पीते हैं और जल्दी से चलते हैं। तो अभी गाइस सबने चाय वगैरह भी पी ली और किसी ने को जो खाना था अपना सबने खा लिया, और अभी बस को फिर से बोर्ड कर रहे हैं और बैठ जाते हैं सीट में। अब सिद्धि गाइस आपको रोहतक मिलूँगा। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं 10:45 हो चुके हैं और मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, और आई होप आपको ये वाला ब्लॉग भी बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और जो भी मेरा भाई चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, इंस्टाग्राम को आके फॉलो कर देना, सर पर तो विशेष हैंडल आ गया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ गुरु जी का आश्रम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है।